जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। आज कर मैं पर मोर कहा सुनी करू पाई हुई स्वर करी सहाई सती ज्योत जी दश मख देहा जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के जग में देह का त्याग किया था उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते ही तपु किन शंभुपति त्या लागी शिव समाधि बैठे सब त्यागी यद्यपि अही असमंजस बारी तदपि बात एक सुनू हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठे हैं, यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठ बहु काम जाई शिव पाही करे शोभु शंकर मन माही तब हम जाई शिव ही सिर नाई करवाऊ विवाहु बरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती विवाह करा देंगे। यही विधि बले देव हित तो होई मत अति नीक कही सब कोई अस्तुति सुदन कीन अति हेतु प्रगटेउ विषम बान जश केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित तो हो, सबने कहा ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम पांच बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुदन कही निज विपति सब सुनी मन की न विचार शंभु विरोध न कुशल मोही बिहस कहू असमार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी दबु सुदशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म पुकारा पर हित लागी तजी जो देही संतत संत प्रसंस ही तेही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म मानते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलू सभी सिरु नाई सुमन धनुष कर सहित सहाई चलत मार अस हृदय विचारा शिव विरोध दुब मरनु हमारा। जो कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसारा कोपेऊ जबी बारी चर केतु शन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सवे विवेक कटकु सबुभागा। ब्रह्मचार्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भागी। भाग्य विवेक सहाय सहित सो सुबट संजुग महिद मुरे सदग्रंथ पर्वत कंदरनी महु जाई ते ही अवसर दुरे होनिहार का करतार को रखवार जग खरवरु परा दुई मात के रति नाथ जेही कहूं को पी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके जोधा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वह सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। हे विदाता अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा, ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुषमान उठाया है। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम
ते निज निज मर जात तजी बेसकल वस काम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी दबू सुदशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय जय राम। जग में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सब गए हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवी तरुशाखा नदी उमगी अम्बुदी कहूं दाई संगम करी तलाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। यहाँ असी दशा जड़न के वरनी को कही सकी सचेतन करनी पशु पशी पक्षी नव जल थल चारी बेकाम बस समय विसारी। जब वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय बुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निसिदिनु नहीं अब लोक ही कोका देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग का मंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इनके दशा न कहीं बखानी सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महा मुनि जोगी ते पी काम बस बे वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महा मुनि और महान जोगी भी काम के वश होकर जोग रहित या स्त्री के विरही हो गए। बे काम बस जोगिस तापस कपावरनी की को कहे देखी चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अवलब लोक ही पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम द्विरंड वरी ब्रह्मांड वित काम कृत को तुकयम। जब जोगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर काम देव का रचा हुआ ये कौतुक रहा। दरिन काहूं दीर सब के मन मन सिज हरे जे राके रघुवीर ते उबरत ही काल महूं सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी दबू सुदशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय जय राम। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। बोल सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम।